दोस्तों इन्फिनिक्स तैयार है इंडियन मार्केट में अपने एक और नए स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस को लॉन्च करने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन होने वाला है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है अंडर 7000 रुपीज़ इंडियन मार्केट में आने वाला है, जिसमें आपको 6000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलेगी, उसके साथ 18 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर होने वाला। और यहाँ पे कंपनी प्रमोट कर रही है कि यहाँ पे आपको हम 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज भी देने वाले हैं। तो क्या कुछ सच्चाई है इसकी, इस स्मार्टफोन में क्या कुछ और भी स्पेक्स देखने को मिलने वाले हैं, इसकी प्राइसिंग जो है इंडिया मार्केट में क्या कुछ होने वाली है। इंडिया में तो खैर ये स्मार्टफोन जो है 1 मार्च को लॉन्च हो जाएगा, बट और भी सारी जानकारी जो इस वीडियो में आपको दूंगा इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस से रिगार्डिंग, तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस के जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों पहले मैं आपसे क्लियर कर देता हूं कि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है। प्राइसिंग जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर 7000 रुपीज होने वाला है, तो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन ही होगा। अब दोस्तों यहां पे जो है आपको सबसे पहले हम डिस्प्ले से शुरुआत करते हैं, तो यहां पे जो है 6.6 इंच का एक HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको और यहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लाकर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जिस प्राइस पे आ रहा है उस प्राइस पे हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले का अगर उम्मीद करते हैं तो शायद हमारी गलती है। तो हाँ, HD डिस्प्ले विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है इन्फिनिक्स। और हाँ, डिस्प्ले के यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा काम करा गया है। सामने की तरफ जो आपको पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो कि वही डायनेमिक आइलैंड बन जाता है, जिसको कि हर कंपनी ने अलग अलग नाम दिया है। तो हाँ, डायनेमिक आइलैंड बनेगा, उसमें आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर जो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी इनबिल्ट कर दिया गया है। बैक की तरफ बात करें तो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, एंड सेकेंडरी कैमरा जो आपको AI लेंस वाला सिर्फ ऐसे ही नाम के लिए चिप दिया जाएगा, जिसका एक कोई भी यूज नहीं होता है। तो मानकर चलो कि सिर्फ और सिर्फ हमें एक सिंगल कैमरा देखने को मिलता है बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल का, और सेकेंडरी कैमरा के नाम पर जो गिमिक करती है, मार्केटिंग करती है कि AI लेंस चिप देती है, 2 मेगापिक्सल का चिप देती है, दिस नीड्स टू बी स्टॉप। सारे ब्रांड्स मैं कहना चाहता हूँ इसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरत है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या जी, इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाईलाइटिंग फीचर है वो है इसका बैटरी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे जो आपको जैसा मैंने आपको बताया शुरू में ही कि 6000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, एंड यहां पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, और चार्जर इन द बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। और इसको जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि हम यहां पे भाई 6000 एमएएच की बैटरी दे रहे हैं, और लिटरली अच्छी बात है भी, जिनको भी एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए था उनके लिए काफी अच्छा ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है, उनके लिए एक अच्छा चॉइस ये होने वाला है। एंड प्रोसेसर की बात करें तो अगेन प्रोसेसर से हम ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बट हां, स्टिल यहां पे आपको जो है मीडियाटेक तरफ से हीलियो G36 चिपसेट देखने को मिल जाता है। एंड जैसा कि आपको पता है कि 4G मॉडेम को सपोर्ट करता है चिपसेट, जिसके कारण ये स्मार्टफोन जो है 4G बन जाता है, 5G स्मार्टफोन नहीं है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना है, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में करते हैं कि भाई ये 4G स्मार्टफोन है या फिर 5G स्मार्टफोन। मैं सारे वीडियो में ही बोल देता हूं कि भाई 4G स्मार्टफोन है या फिर 5G स्मार्टफोन, जैसा मैंने अभी बोल दिया ये 4G स्मार्टफोन है। एंड खैर, यहाँ पे आपको जो है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएंगे, 3.5mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, एंड ये स्मार्टफोन जो है डेडिकेटेड स्लॉट्स के साथ में आएगा। तो 2 सिम के साथ साथ आप एक SD कार्ड लाकर भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जो लोग ऐसे हैं कि जिनको ऐसा रहता है कि मुझे भैया एक्सटर्नल SD कार्ड चाहिए ही चाहिए लगाने के लिए, क्योंकि उसमें फोटोज वीडियोज बहुत सारे स्टोर करने होते हैं, तो हाँ, उनके लिए एक अच्छा हमें ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि SD कार्ड का भी सपोर्ट इस फ्रेम में देखने को मिलने वाला है। एंड दोस्तों ऑब्वियस ही बात है कि एक बजट लेवल का स्मार्टफोन है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन जो है एंड्रॉयड 13 के गो एडिशन पे आएगा। एज ऑफ नाउ यही लीक निकल कर आई थी स्पेक्स से रिगार्डिंग, इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस से रिगार्डिंग। अब आपसे मैंने जैसे आपको बताया कि यह स्मार्टफोन जो है 1st of March जी हाँ 1 मार्च को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। और प्राइसिंग की तरफ नजर डाले तो यहाँ पे जो है टीज करा जा रहा है कि 8GB रैम प्लस 128GB के साथ में हम लॉन्च करने वाले हैं, बट ऐसा नहीं होने वाला है। 8GB जो टीज करी जा रही है वो 4GB एक्चुअल रैम होने वाली और 4GB का वर्चुअल रैम होने वाली है, और दोनों को मिलाकर जो यहाँ पे कंबाइन कर 8GB रैम बनने वाली है। वैसे यहाँ पे 8GB रैम को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मिस लीडिंग मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर 4GB का वर्चुअल रैम आप दे रहे हैं तो आपको क्लियरली वहाँ पे 4+4 ऐसा लिखना चाहिए, बट हाँ 8 लिखकर वहाँ पे स्टार लगा देते हैं, ये थोड़ा मार्केटिंग गिमिक तो सारी कंपनियां कर रही है और इन्फिनिक्स भी ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पे आपको 4+128 का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्लियरली मेंशन करा गया है कंपनी के द्वारा, फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट हो चुका है, ऑफिशियली मेंशन करा गया है कि स्मार्टफोन की प्राइसिंग जो है 6000 और यहाँ पे डैश डैश लिखा गया है, तो यहाँ पे 6499 हो जाए 6999 हो जाए, मतलब अंडर
7,000 रुपीज़ इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाली है, और 6,500 या फिर 7,000 यही दोनों में से कोई एक प्राइसिंग होगी आप मानकर चलो। और ऑफर्स वगैरह तो इस पर क्या ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो इसमें हम ऑफर्स की उम्मीद ना करें तो ज़्यादा बेटर है, या फिर देखिए भी तो सिर्फ वही नाम के लिए कि हम एक्सचेंज बोनस आपको 1,000 रुपये का देंगे या फिर 500 का देंगे या फिर 700-800 का देंगे, यही सब करेगी। उससे ज़्यादा हमें यहाँ पे क्या ही ऑफर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ़ोन की प्राइसिंग ऑलरेडी 700 रुपये, अब इससे कम क्या ही करेगी कंपनी। खैर यही सब कहानी थी इन्फिनिक्स स्मार्ट एट प्लस की जो मैं आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डाली। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय।